जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी मेरे भाई और बहन का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है माता लक्ष्मी की तरफ से मनी की वाइब्रेशंस किस तरीके से होने वाली है। नवरात्र आने वाली है तो देख लेते हैं अभी आपके लिए जो है माँ का क्या संदेश है और माता रानी आप लोगों के लिए क्या संदेश लेकर आई हैं। सबसे पहले गणेश जी की आराधना में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड निकला है जो ये बता रहा है कि आपको आपकी जो वॉइस है उस पर वर्क करना होगा। यानी कि अगर आपके मन में कोई बात है और मनी रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो उनसे कहने की ज़रूरत होगी और थ्रोट चक्रा पर जो है आपको फोकस करना होगा, जिससे कि आप और ज़्यादा जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट कर सके। थ्रोट चक्रा जो है मनी अट्रैक्शन में भी काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है पॉजिटिव का कार्ड निकला है। 29 नंबर जो होता है वो अगेन बहुत अच्छा रहता है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, तो पॉजिटिव रहिए। आप में से कई लोग शायद जो है काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं कि हमारा ये काम नहीं होगा, या हमें हमारे भाग्य में पैसा नहीं है, या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव हो, तो उस चीज़ से दूर होकर अपने आप को थोड़ा सा जो है आप लोग पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। और यहाँ पर जय माता, यहाँ पर जो है माता दुर्गा का कार्ड निकला है। देखिए ना, यूनिवर्स की गॉड भी कहा जाता है। नवरात्र आने वाले हैं, हो सकता है इसी वजह से जो है ये वाइब्रेशंस यहाँ पे निकली हो। एंड में जो कार्ड निकला था वो निकला था गरुड़ का। गरुड़ जो होता है मनी को अट्रैक्ट करने में काफ़ी मदद करता है, विष्णु जी का प्रिय है, तो हो सकता है कोई पर्सन जैसे थर्ड पार्टी कोई आपकी मदद करे।